तो गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू द आई एफ एस सेशन्स फॉर द प्रीवियस प्रीवियर्स क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज़ ऑफ़ आर पी एस सी पेपर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो हम जोअलॉजी पेपर की बात कर रहे थे एंड जुअलॉजी पेपर के टू थाउजेंड सिक्सटीन के आर पी एस सी एग्ज़मिनेशन के बारे में हम देखेंगे तो so, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर वन ज़ीरो वन टू वन ट्वेंटी फाइव वो हम आज देखेंगे एंड अगेन एज आई सेड के मोस्टली जुअलॉजी से uh, पूछे जाते हैं डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन गुड मॉर्निंग अभिषेक तो मोस्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो so, वही हम देखेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन से तो so, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल तो यहाँ पे बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिश दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकॉइड स्केल और ऑफ़ रे वो भी प्लेक्ट स्केल का मॉडिफिकेशन है टीथ ऑन द रोस्ट्रम ऑफ प्रिस्टिस प्रिस्टिस मतलब के 100 fish. 100 fish की जो एक लॉन्ग रोस्ट्रम जो रहती है सो शेप की उस शेप के टीथ uh, जो है दे आर ऑल्सो द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेक्ट स्केल वेर एज मोडिफिकेशन ऑफ ब्लैकवर्ड ओके क्लास जी पी एस सी का जो class है वो अगेन हिंदी language में रहेगा Okay. हिंदी language में रहेगा एंड अगर आपको वो कोर्स बाय करना है तो आप आई एफ एस ऑनलाइन डॉट कॉम पर आप विजिट कर सकते हो गुड मॉर्निंग नाइम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन नेरिस नेफ्रोमेक्सिया नेफ्रोमिक्सिया एक्ट एज तो इट विल एक्ट एज बोथ एक्सक्रीटरी एंड बोथ एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओके इट विल एक्ट एज बोथ एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नेफ्रोमिक्सिया इन नेरिस नेक्स्ट हम देखते हैं इन एम्फीबिया मिडल ईयर

तो अगेन यहाँ पे आपको डायरेक्टली ही आ, दिया गया है ये क्वेश्चन ज्यादा कुछ लॉजिक लगाना नहीं है इट आर्कोसोरिया ओके नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली विद देयर जुअलॉजिकल नेम जुअलॉजिकल नेम इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है तो वीवर बर्ड का सही है ग्रीन पैरेट का भी सही है एंड कोयल का भी सही है फिर कीवी का नो इट इज फ्रॉम द जीनस एपटेरिक्स एंड दिस इज द एक्चुअली अवर डिजायर्ड ऑप्शन ओके गुड मॉर्निंग शर्वन तो so, कीवी इज डिजायर्ड ऑप्शन बिकॉज इट इज नॉट द करेक्ट नेम एक्चुअली एप्टेरिक्स जीनस से बिलोंग करता है ओके नेक्स्ट टेपटम इज तो यहां पे जो टेपटम है गुड मॉर्निंग मोनिका

स्मॉल पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ इंसेक्ट्स और द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मॉल का क्या होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है टेपटम एक्चुअली गुड मॉर्निंग पूजा या फिर हम उसको बोलेम लूसीडम इज वन ऑफ द रिफ्लेक्टिव पिगमेंट प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ दम एनिमल्स ओके इट इज रिफ्लेक्टिव पिगमेंट प्रेजेंट इन द आईज ऑफ सम एनिमल्स जो हमें रात में जब हम टॉर्च लगाते हैं सम ऑफ द पर्टिकुलर आइज ऑफ़ द एनिमल्स जैसे कि कोई कैट हो गई या इवन एनी ऑफ द फिलइन फैमिली एनिमल्स ये जो एनिमल है वो रिफ्लेक्ट करते हैं करटन लाइट को राइट right? जो हम टॉर्च जैसे हम टॉर्च इंसिडेंट करेंगे तो उनकी लाइट वही उनकी जो आइज है वही लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगी तो दिस इज ड्यू टू द्लेयर नोन एज टेप्टम लूसीडम तो इट इज रिफ्लेक्टिव पिकमेंट प्रेजेंट इन द आइज ऑफ सम एनिमल्स ओके नेक्स्ट ये भी अगेन इजी क्वेश्चन है इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी आर कैन टेल क्या होगा देखो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आंसर था रिफ्लेक्टिव करेक्ट शर्वन. इसका क्या होगा इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी दिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल या फिर, मेल या फिर, मेल या फिर फीमेल क्या होगा इसका आंसर

सेकेंड मोनिका करेक्ट एंड देर फर्टाइल ओके नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोफोल एक्सिस प्रोफोल एक्सिस क्या होगा गुड मॉर्निंग मनोज सर प्रोफोल एक्सिस क्या होगा तो इट इज एक्चुअली इ डायरेक्टली ही डेफिनेशन है इट इज टाइप ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फूड बिटवीन सम इनसेक् हम बोलेंगे

डेकोरेशन या एसेसरी फेदर्स एस बाकी के रेमिजीज रेटराइसिंग कोवर्स एज द फ्लाइट इन पीजियन ओके नेक्स्ट लॉरल्स लो, कैनाल फाउंड इन डाइजीनिया इज तो इट इज वॉट अगेन डायरेक्टली ये क्वेश्चन दिया गया है लॉरल्स कैनाल फाउंड इन डाइजीनिया इज इट इज अ पॉपुलेटरी ऑर्गन ओके टरी ऑर्गन तो इट एक्ट एज अल रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड वो डाइजी में प्रेजेंट होता है एंड इज नोन नेक्स्ट ओके ये भी डायरेक्टली पूछा गया विच ऑफ दर ग्रुप्स ऑफ एक्सक्लूसिवलीकाइनो डर आर द फॉलोइंगली इकाइनोडर लार्वे गुड मॉर्निंग स्नेहा क्या होगा बाईपीनेरिया ऑरिक्यूलेरिया या फिर नियोप्लोस ऑफियोप्लूटस डोलियोलोरिया या फिर व्हाट विल बी द आंसर हियर तो बाईपीनेरिया ऑरिक्यूलेरिया आर द ग्रुप ऑफ द इकाइनोडरमेटा लार्वा एज वेल एज डोलियोलोरिया एंड इकाइनोप्ल्यूटस आर ऑल्सो द ग्रुप ऑफ इकाइनोडरमेटा लार्वा एंड सी इज द आंसर करेक्ट हेली ए एंड सी इज द आंसर ओके नेरसेज रीजनरेशन आर मोनिका करेक्ट नायम करेक्ट शर्वन करेक्ट फोर इज द आंसर सो आयस नेसेसरी फॉर स्पोज रीजनरेशन आर वॉट कैल्शियम एंड पोटेशियम या फिर कैल्शियम एंड मैग्नेशियम या फिर मैग्नेशियम एंड पोटेशियम और मैग्नेशियम एंड सोडियम तो क्या होगा इसका आंसर कैल्शियम एंड पोटेशियम होगा या फिर कैल्शियम एंड मैग्नेशियम या फिर मैग्नेशियम एंड पोटेशियम या फिर मैग्नेशियम एंड सोडियम तो द नेसेसरी आयंस फॉर स्पोंज रीजनरेशन आर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओके नेक्स्ट इन विच ऑफ दिस एनिमल्स अगेन Uh, देखो बहुत ही डायरेक्ट इजी क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दिस एनिमल ओरिजिन ऑफ प्राइमोडियल जर्म सेल्स इज नॉट एंडोडर्मल यूजुअली प्राइमोडियल जर्म सेल्स जिसको हम पीजीसी बोलते हैं उनका ओरिजिन होता है एंडोडर्मल बट विच ऑफ दिस पर्टिकुलर एनिमल इन चारों में से कौन सा एनिमल है जिसमें प्राइमोडियल जर्म सेल का ओरिजिन एंडोडर्मल नहीं है क्या हो सकता है इसका आंसर आंसर इज सेमेंडर ओके विच ऑफ दिस एनिमल ओरिजिन ऑफ प्राइमोडियल जर्म सेल इट इज नॉट एंडोडर्मल बिकॉज सेलमेंडर में वो मेजोडर्मल ओरिजिन से बनते हैं ओके अगेन येक्ट हेली सेलामेंडर इज करेक्ट इन एग लेइंग मैमल्स क्लीवेज इज तो एग लेइंग मैमल की बात हो रही है तो जिसको हम मोनोट्रीमा बोलते हैं एक लिंग एनिमल्स मोनोट्रीमा जो कि इसके दो एग्जाम्पल है करेक्ट एवरीवन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन जो प्रीवियस हमने देखा सेलेमेंडर्स ओके okay? तो एग लिंग मोनोट्रीमा जो कि हम बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस या फिर एक स्पाइनी एंटीटर रहता है ओके okay? तो यहां पे दे आर द एग लिंग मैनिम मेमल्स तो उनका क्लीवेज एक तो मेरोब्लास्टिक होगा बट मेरोब्लास्टिक के साथ साथ

कभी कभी इजी होते हैं कभी कभी कुछ डीपली क्वेश्चन पूछ लेते हैं बट हाँ कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना हो या सब कुछ एवरी थिंग विल बी इन्फॉर्मेशन बेस्ड राइट करेक्ट अबाउट द नॉलेज करेक्ट शर्वन इन वर्टिब्रेट स्विच ऑफ दिस इज फॉर्म फ्रॉम द मेजोडम इट इज वर्टिप्रल कॉलम ओके करेक्ट मोनिका इट इज वर्टिप्रल कॉलम ओके अगेन इट इज दिस क्वेश्चन इज इन्फॉर्मेशन बेस्ड आइनिक थिरी ऑफ न्यूरल इंडक्शन वॉज प्रपोज बाय द करेक्ट ऑप्शन एग्जाम्पल्स तो कैन एनी वन टेल मी क्या होगा इसका मैच प्लेसेंटा विदर एग्जाम्पल्स क्या होगा एपीथिलियो कोरियल विल बी वॉ ऑफ वॉट सिंडेस्मो कोरियल क्या होगा एंडोथिलियो कोरियल क्या होगा एंड हीमोकोरियल कोरियल क्या होगा तो एपिथिलियोकोरियल कोरियल विल बी फॉर हॉर्स ओके? ओकेल विल बी फॉर गोट एंडोथिलियो कोरियल विल बी फॉर डॉग्स एंड हीमोकोरियल फॉर प्राइमेट्स लाइक ह्यूमंस, ओके सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड एपिथिलियोकोरियल फॉर हॉर्स ियल फॉर गोट एंडोथिलियो कोरियल फॉर डॉग्स एंडो कोरियल फॉर प्राइमेड विल बी सेकेंड वन ओके मोनिका सेकेंड इज करेक्ट अगेन डायरेक्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है डेवलपमेंट से ड्यूरिंग वुल्फियन रीजनरेशन यस एवरी वन करेक्टर वन अबाउट द नॉलेज टू सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग रीजनरेट फ्रॉम इट विल रीजनरेट फ्रॉमिसकेट एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ड्रॉप इट कॉजेस अब ये जो क्वेश्चन है यह क्वेश्चन थोड़ा क्रिकी है बट कैन एनी वन ट्राई टू आंसर वेन न्यूरल एक्टिविटी रेटिकुलर फॉर्मेशन की जब उसके एसोसिएटेड एरिया से अगर न्यूरल एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है नहीं सॉरी ड्रॉप हो जाती है तो वॉट इट विल लीड टू क्या हो सकता है तो रेटिकुलर फॉर्मेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया इन द ब्रेन विच विल एक्चुअली रेगुलेट द स्लीप साइकिल ओके तो यहाँ पर न्यूरल एक्टिविटी अगर उसकी ड्रॉप हो जाती है तो इट माइट लीड टू आइदर स्लीप और इट माइट लीड टू फेंटिंग बट फेंटिंग यहाँ पे तभी हम यूज़ करेंगे कि जब कोई इंजरी होगी अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन में कोई इंजरी होगी अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन में कोई इंजरी होगी और वो इंजरी की वजह से अगर उसका न्यूरल एक्टिविटी जो है वो अगर स्टॉप हो जाएगा तो इट विल लीड टू आइर फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस और समटाइम्स इवन इर कोमा ओके बट यहाँ पे इंजरी की बात नहीं कही है यहाँ पे जस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉप्स होगा तो आइदर इट विल ड्रॉप और इट विल अगेन कम बैक एट द नॉर्मल लेवल तो द न्यूरल एक्टिविटी विल हैव इट्सिकल पैटर्न एंड देरफोर इट विल एक्चुअली रेग्युलेट और इट विल कॉज द स्लीप ओके तो हाँ Uh, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी ये है कि आइदर इट विल बी स्लीपिंग और इट विल बी फेंटिंग बट यहाँ पे कुछ इंजरी या एज सच कोई एक इमरजेंसी पर्टिकुलर नहीं दिया गया है सो दैट फोर द आंसर इज स्लीप नॉट फेंटिंग ओके ओके नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट सिमिलर इन बोथ कॉर्नेरिया लार्वा एंड द प्रोकोफोर लार्वा तो यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर सिमिलर नहीं है तो so, अगेन आपको याद ही रखना है सो दे आर पहले जिक करेक्ट हैव वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनल बोथ दोनों लार्वा में है एलिमेंट्री कैनल दे हैविकल प्लेन आई स्पॉट सीलिया दट इज ऑल्सो करेक्ट बट्रीडिया इज नॉट प्रेजेंट इन नेफ्रिडिया इज नॉट प्रेजेंट इन टोर्नेरिया ओके तो नेफ्रेडिया इज नॉट प्रेजेंट इन टोर्नेरिया ओके ओके नेक्स्ट ट्रू स्टेटमेंट फॉर हीम हिमेरिथ्रीन इज तो हिम जो है आ, इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है तो हम देखते हैं कि इट हैज कॉपर एटम बाइंड टू ऑक्सीजन नो दैट इज इनकरेक्ट क्योंकि आयरन एटम ही होता है ओके नेक्स्ट इज देर इज नो हीम इन दिस बट आयरन एटम डायरेक्टली बाइंड टू प्रोटीन एंड दैट इज करेक्ट हीमेरिथ्रीन में कोई हीम नहीं होता है बट आयरन एटम डायरेक्टली बाइंड टू द प्रोटीन दैट इज करेक्ट इट इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोप्रोड नो दैट इज रॉन्ग इट इज प्रेजेंट इन फ्यू एनेट्स एंड इट इज ग्रीन इन कलर वैन ऑक्सीजनेटेड एंड वायलेट वैन डी ऑक्सीजनेटेड दट इज ऑल्सो रॉन्ग इट इज एक्चुअली कलरलेस इट इज नॉट ग्रीन इन कलर बट वैन इट इज ऑक्सीजनेटेड इट इज कलरलेस ओके सो यहाँ पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर इन करेक्ट वैकंड स्टेटमेंट दैट इज देर इज नो हीम इन दिज बट आयरन एटम डायरेक्टली बाइंड टू द प्रोटीन दैट इज करेक्ट ऑप्शन टू इज करेक्ट दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट फॉर हीमैरीथ्रिन ओके नेक्स्ट इन मैमल द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन बिटवीन अ स्पर्मेटोजोआन एग ऑफ द सेम स्पीशीज इज बाय द प्रेजेंस ऑफ बहुत इजी क्वेश्चन है और हमें ये पता है क्या होगा जो ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ ज़ोना पेलोसिडा ZP1 ZP2 ZP3 हमें जो पता है ओके okay? तो मेमल द स्पेसिफिक रिकॉग्निशन बिटवीन द स्पर्मेटोजोआ एंड द एग ऑफ द सेम स्पीसीज इज बाय द प्रेजेंस ऑफ वॉट द ग्लाइको प्रोटीन ऑफ द जेना जोना पेल्यूसीडा राइट ओके नेक्स्ट इन सम हर्मेफ्रोडाइटिक एनिमल्स ओवा मेच्योर्स अर्लियर देन द स्पर्म्स डायरेक्टली ये डेफिनेशन से ही पूछा है देखो आप कितना ईजी है इन सम हर्मे हर्मेफ्रोडाइटिक एनिमल्स ओवा मेच्योर्स अर्लियर देन द स्पर्म्स द कंडीशन दिस कंडीशन

स्टीरियोटेक्सिक एटलास फॉर मैपिंग ऑफ कैट्स ब्रेन सो इट इज क्या होगा this cancer, can anyone tell who prepared the stereotaxic atlas, ma hmm? atlas for mapping of cat's brain? it is lean and degrut degrut and broca. jasper and marson. and fritz and kitzik. is cancer. the stereotaxic atlas for mapping of cat's brain. lean and degrut the first one. second is degrut and broca. third is जेस्पर एंड मार्सन एंड फोर्थ इज फ्रिट्स एंड हिडजिक तो कौन बोल रहे हैं थर्ड ओके थर्ड वॉट अबाउट फोर्थ फ्रिड्स एंड हिडजिक क्यों नहीं वॉट अबाउट फोर्थ ऑप्शन एंड फ्रिट्स एंड हिटिक क्यू नहीं यस वो क्यों नहीं आएगा फोर्थ वन बोलिए क्योंकि फिट्स एंड हिजिग ने स्टीरोटेक्सिक एटलास डॉग के ब्रेन में उन्होंने मैप किया था वेर कैट में जैस्पर एंड मार्सन ओके जैस्पर एंड मार्सन तो फाइनली हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन से लेके क्वेश्चन नंबर वन ट्वेंटी फाइव तक देख लिया तो आई होप आपको पता चल गया होगा कौन से करेक्ट क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से जूलॉजी पेपर वन से इन द आर पी एस आर पी एस सी एग्जामिनेशन तो अगेन आप ऐसे ही पढ़ते रहिएगा ऐसे ही हम दूसरी सीरीज लाते रहेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कशन की तो स्टे ट्यून्ड सी यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग